हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज मैं जिस सब्सटेंस के बारे में बात करने वाला हूं, जिस ड्रग के बारे में बात करने वाला हूं, वो इतना कॉमन है कि इसको आपको अपनी लाइफ में बना के ही रखना चाहिए, चाहे प्रॉब्लम हो चाहे प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जितना कॉमन ये है, उतना अनकॉमन इसका इफेक्ट है। मतलब इतना ज्यादा लाइफ सेविंग ड्रग है कि इसने कईयों की जिंदगी बचा ली है। और ये है कुछ नहीं, ये केवल इलेक्ट्रॉल पाउडर है जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉल पाउडर किसको दिया जाता है? आप तो सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉल पाउडर तो उसको दिया जाता है जिसको कोई वीकनेस हो, जिसको लूज मोशन हुआ हो। लेकिन थोड़ा सा रुकिएगा, जरा बात को समझिएगा। इलेक्ट्रॉल पाउडर या फिर ORS घोल, या तो WHO ORS घोल, नाम कोई सा भी हो, प्रोनंसिएशन कोई सा भी हो, ये है क्या? ये है इलेक्ट्रोलाइट्स के कॉम्बिनेशंस। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये अपना अपना काम करते रहते हैं। जब हम बात कर रहे हैं तो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट काम कर रहा है, मूव कर रहा है। जो चीज मेरे दिमाग में चल रही है उसको मेरे जुबान पे वर्ड्स के फॉर्म में लाने के बीच का जो प्रोसेस है, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। कोई चीज यहां पे चुभ रहा है, इसका पेन का परसेप्शन मुझे तुरंत होता है, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे होते हैं। तो जब कभी भी आपकी बॉडी में इन इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है तो आपकी बॉडी में इन सभी चीजों की एक्टिविटी पे फर्क पड़ता है, ना केवल लूज मोशन। तो ये एक्टिविटी क्या है? ये एक्टिविटी है सुनना, समझना, रिस्पांस करना, रिएक्ट करना, रिफ्लक्स मारना। लेकिन इन सब में प्रॉब्लम कब होने लगेगी? जब इलेक्ट्रोलाइट की कमी होने लगेगी। इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होगी कब, ये समझिएगा जरा, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रोलाइट की कमी तब होगी जब आप एक्सेसिस में यूरिन पास कर रहे हो, अगर आप डायुरेटिक यूज कर रहे हैं, अगर आपको लूज मोशन है, या अगर आपको डिसेंट्री है, या तो आपको डायरिया है, इसमें आप मैक्सिमम वाटर सब्सटेंस को इलेक्ट्रोलाइट के साथ में एक्सक्रीट आउट कर रहे हो। आपको अगर सीवियर वोमिटिंग हो रही है, बहुत फ्रीक्वेंटली वोमिटिंग हो रही है, तो पूरा कंटेंट ऑफ जीआईटी का बाहर जा रहा है, साथ में वाटर भी बहुत अधिक मात्रा में जा रहा है, साथ में वाटर में डिजॉल्व इलेक्ट्रोलाइट्स भी बाहर जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी की ओर बढ़ती जा रही है और वहां पे कमी होती जाएगी। तो वहां पे अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट को वापस से बैलेंस नहीं किया, इसे कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, यानी कि ओरल रूट से दिया जाने वाला सॉल्ट जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो सॉल्ट का कॉम्बिनेशन है। रिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी डिहाइड्रेशन कहलाती है, रिहाइड्रेशन मतलब वापस उस कमी को पूरा करना जो कि इलेक्ट्रोलाइट की कमी की वजह से, पानी की कमी की वजह से हो गया हो। तो ज्यादातर यूज उसका तो डायरिया के पेशेंट को दिया जाता है, वोमिटिंग करने वाले को दिया जाता है। लेकिन अगर आप सर दर्द में हैं, आपको बहुत ज्यादा थकावट फील हो रही है, और आपको अगर ब्लड प्रेशर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल रेंज में रहते हो, तो आप इलेक्ट्रोलाइट का पाउडर दिन में भी एक बार आप चाहें तो किसी भी समय में यूज कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मिला के पीजिए या फिर दिए गए क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली उसका यूज कीजिए, क्योंकि पाउच अलग अलग आते हैं, छोटा पाउच आता है, बड़ा पाउच आता है, डिब्बा आता है। कौन सा पाउच यूज कर रहे हैं उसमें इसमें साफ लिखा हुआ होता है कि इतने कंटेंट ऑफ द पाउडर को इतने ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व करके लेना चाहिए, तो उसको अकॉर्डिंगली आप दिन में एक दोबारा आराम से ले सकते हो। एक चीज का विशेष याद रखिएगा, जब कभी भी आपको लूज मोशन हो रहा हो तो आपको थोड़ा सा टेस्ट बर्ड भी अफेक्ट हो जाते हैं। आपको ये जो इलेक्ट्रॉल का पाउडर है, कईयों को टेस्ट पसंद नहीं आता। भाई टेस्ट के पीछे मत जाइए, इसके यूज के ऊपर जाइए। अगर आपको पर्टिकुलर टेस्ट पसंद नहीं आ रहा, पर्टिकुलर टेस्ट मतलब ऑरेंज फ्लेवर, लेमन फ्लेवर या कोई और फ्लेवर पसंद नहीं आ रहा, तो प्लेन पे जाइए। प्लेन पे नहीं जा रहे हो तो ऑरेंज पे जाओ, लेमन पे जाओ, या फिर किसी और पे जाओ। फ्लेवर चेंज कर सकते हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट तो आपको लेना ही पड़ेगा ताकि आपके बॉडी में वापस से इन इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस कर सकें, और जो बॉडी की एक्टिविटी है, प्रॉपर रिस्पॉन्स करना, सोचना, समझना, रिफ्लक्स मारना या फिर एक्टिविटी करना, वो पूरा कर सकें। तो छोटा सा पाउच है इलेक्ट्रॉल का, लेकिन फायदा बहुत बड़ा है, ब्लास्टिंग इफेक्ट है। कभी भी किसी को लूज मोशन हो, वोमिटिंग हो, तो सबसे पहले सलाह देना मत भूलिएगा कि ORS सॉल्यूशन जरूर दिया जाए उनको। बाकी ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर के अकॉर्डिंगली चलता रहेगा। ORS शुड बी स्टार्टेड एज सून एज पॉसिबल एंड एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जब तक वो डॉक्टर ने कह रहा है तब तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।